close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And सो दोस्तों, कैसा लगा स्टील गेट का पंडाल? अभी मैं आप लोगों को घुमाने लेके जाऊंगा मेला में। बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, तो COVID-19 के बाद बहुत दिन बाद मेला लगा है, तो इसीलिए लोग देखने के लिए आए हैं इस साल दुर्गा पूजा। तो सबसे बढ़िया हमको लगा गाइस स्टील गेट का। अगर आप लोग धनबाद से हैं तो आप लोग तो जानते ही हैं यहाँ का स्टील गेट जो मार्केट है, बहुत ही अच्छा बना है पंडाल इस बार। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं भोली की ओर, ठीक है। जितना हो सके मैं आपको दिखाऊंगा पंडाल वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं भोली। ओके, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो बिना किसी स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। और अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है उससे, अगर आप लोग करते हो तो, ठीक है। तो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। ओके, ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, तो अब जब नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका तो मैं शॉर्ट करने का कोशिश करूँगा वीडियो को। ओके, तो फिलहाल आप लोग इन्जॉय कीजिए जितना हो सके। हम एक्सपोर्ट किए हैं, ब्लॉग में दिखाए हैं आप लोगों के लिए, तो इन्जॉय कीजिए आप लोग। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं दूसरा पंडाल में। तो ये वाला पंडाल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं, ठीक है। मुझे तो अच्छा ही लगा। सो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना हो सके फैला दीजिए इस वीडियो को। और उसके बाद गाइस हम लोग निकले हैं दूसरे जगह ये पंडाल देखने के बाद। तो गाइस मैं ज़्यादा जगह का नाम नहीं बता पाऊँगा वीडियो पर, आप लोग अंदाज़ा लगाओ कि ये पंडाल कहाँ का है। ओके, तो मैं ज़्यादा एक बता नहीं पाऊँगा वीडियो में, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग धनबाद से हैं, ओके, मुझे बताओ कमेंट करके। और मेरे को सबसे अच्छा लगा ये डेकोरेशन लाइटिंग का जो पेड़ पौधा में लगाया हुआ है। ओके, सो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ इस पंडाल में। यहाँ पे तो हमेशा अच्छा ही डेकोरेट करता है। गाइस ये देखिए, यहाँ पे दुर्गा माँ का मूर्ति है, बहुत ही अच्छा सजाया है। उसके बाद गाइस हम ये वाला पंडाल में आए हैं, ये वाला पंडाल काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है। गाइस हम अंदर जाते हैं, देखते हैं कैसा डेकोरेट किया है पंडाल के अंदर। सो गाइस, अगर आप अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया इस वीडियो को कर दीजिए और कमेंट कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्त लोग के साथ, और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए हमारे चैनल पर। ओके, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, इससे क्या होता है ना कि आने वाले न्यू
लेटेस्ट अपडेट्स आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको दिखाने के बाद हम लोग निकले हैं दूसरा जगह, ये पंडाल घूमने के बाद। देखिए गाइस कितना भीड़ है यहाँ पे, गार्ड भी है यहाँ पे, बॉडी गार्ड सब, सिक्योरिटी सब रखना पड़ता है। तो गाइस ये यहाँ आ चुके हैं ये वाला जगह पे, ये कौन सा जगह है कमेंट करके जरूर बताएं। पंडाल अच्छा बना है, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों पंडाल के अंदर चलते हैं, सो लेट्स गो। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, गाइस अब हम आ चुके दूसरे जगह। ये देखिए पंडाल तो अच्छा बना है ये वाला जगह पे, शायद इसका जगह का नाम है हरि मंदिर के पास। मैं उतना 100% करेक्ट तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन मेरे को ऐसे अंदाजा लग रहा है। खैर ये देखिए भोलेनाथ का पंडाल बनाया है, बहुत ही अच्छे डेकोरेट किया है। आप लोग सोच रहे हो कि मुझे जगह का नाम क्यों नहीं पता है, क्योंकि मैं उतना जगह जाता नहीं हूँ और ना ही मैं उतना घूमता हूँ फिरता हूँ बाहर में, इसलिए मैं ज़्यादातर घर पे ही रहता हूँ। तो गाइस इसलिए मुझे उतना जगह का नाम याद नहीं रहता है, ओके। तो गाइस आपके सामने ये हम पंडाल लेकर के ला दिए हैं, आप लोग देखिए। ये वाला वैसे भी ठीक ठाक बना है, इसमें उतना खास उतना कुछ बना नहीं है, फिर भी सही है, मूर्ति भी सही है। उसके बाद गाइस हम लोग दूसरा जगह जा रहे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट पे बताओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोग घूमे हो तो, ओके। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं एक और पंडाल में। जी हाँ दोस्तों इस ये वाला पंडाल, मुझे इसका डेकोरेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। ये देखिए गाइस बहुत ही अच्छा लाइटिंग का डेकोरेट किया है और सजाया भी अच्छा खासा है, मेहनत भी किया है, ओके। तो देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ पंडाल के अंदर, जितना हो सके मैं एक्सपोर्ट करूंगा और आपको शेयर करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, ओके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पंडाल के अंदर। तो गाइस देख सकते हो थर्मोकोल के में कितना अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ये देखिए पंडाल के अंदर बहुत सारे डिज़ाइन हैं, ये मुझे अच्छा लगा, एकदम रेड रेड टाइप का इफेक्ट आ रहा है कैमरा में। जितना हो सके हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए,
क्योंकि इस लाइट की वजह से हो रहा है। यह देखिए काली माँ का मूर्ति है, बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया है। यह देखिए पूजा हो रहा है। आप लोग कमेंट पे लिखो जय माता दी। ओके, यह देखिए बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया गया है इसमें। इसमें यहाँ पे बहुत सारा लाइटिंग इफेक्ट दिया है इसमें, इसलिए इसमें पब्लिक का क्राउड भी है। यह देखिए। तो गाइस अभी और दिखाता हूँ इस पंडाल में क्या क्या है। यह देखिए पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे पेंटिंग भी है, यहाँ पे पेंटिंग सब किया हुआ है। और यह देखिए कितना अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है इसमें, ये आप लोग देख सकते हो। बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया है। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका पार्ट टू चाहिए तो मुझे कमेंट पे बताएं। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, एंजॉय कीजिए इस वीडियो को।